हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीमाफुल टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन चार वजहों के बारे में जिनकी वजह से आपका लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इन चार वजहों को जान सकें और पहचान सकें और उनसे बच सकें। बीमा पॉलिसी कोई भी हो, उसको खरीदते समय आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीमा कंपनियां खरीदते जब बीमा पॉलिसी आप खरीदते हैं उस समय कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। अगर भले ही आप कोई भी पॉलिसी खरीद रहे हैं, वो टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ऑटो इंश्योरेंस है, कुछ भी है, मैं अभी जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब भी आप ऐसा फॉर्म भरते हैं उस वक्त जल्दबाजी में अगर कोई भी जानकारी अगर आपने गलत भर दी है तो आपका सबसे पहले तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये मायने नहीं रखता है कि आपने गलत जानकारी जानबूझकर भरी है या फिर अनजाने में, लेकिन कंपनियां गलत जानकारी या अधूरी जानकारी का हवाला देकर आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं। इसलिए आपको बीमा पॉलिसी खरीदने के समय बिल्कुल अलर्ट रहना है और कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है। पहला इन्फॉर्मेशन, जो पहला रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, वो क्या है, इन्फॉर्मेशन आपने हाइड करी है। यानी कि फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भरने के वक्त आपको अपनी जीवन शैली, मेडिकल हिस्ट्री और पारिवारिक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। और एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको फॉर्म में पूछी गई आपके स्वास्थ्य की और आपके लाइफस्टाइल की जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, विशेष प्रकार से धूम्रपान और शराब से संबंधित अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूछी गई है और उसको आपने एग्जैक्टली यस या फिर नो के रूप में आपको देना होगा। अगर आप सिगरेट पीने के आदी नहीं हैं लेकिन कभी कभार सिगरेट पी लेते हैं तो भी आपको फॉर्म में यस लिखना चाहिए, क्योंकि बाद में जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें अगर ये प्रूफ होता है कि आप स्मोकर थे, भले ओकेजनली लेते थे, तो क्लेम रिजेक्ट होना ही होना है। ऑलराइट, अभी मैं दूसरे जो रीज़न है उसकी बात करने वाला हूँ। पुरानी बीमारी से अगर कोई ग्रसित हैं और आपने वो इन्फॉर्मेशन छुपाई, यानी कि बीमा कवर का सही फ़ायदा मिले इसके लिए भी मौजूदा स्थिति के बारे में पूरी तरह से आपको बताना है। ऐसा नहीं करने पर आपका क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसके बारे में नहीं बताने पर आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट लिस्ट में चले जाएगा और आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। थर्ड, पॉलिसी अगर आपकी लैप्स हो गई है और आप क्लेम करने चले गए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्लेम खारिज होने के बचाने के लिए जो पॉलिसी के तहत जो प्रीमियम का भुगतान आप समय पर करते हैं ताकि पॉलिसी रिन्यू होती रहे, उसका कवरेज आपको मिलता रहे, लेकिन अगर प्रीमियम ही बंद हो गई है, पॉलिसी लैप्स हो गई है और पॉलिसी मैच्योरिटी के टाइम पे या फिर ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो गई है उस टाइम पर अगर आप क्लेम के लिए जा रहे हैं लेकिन पॉलिसी लैप्स हुई है तो आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, जो भी प्रीमियम आपकी पॉलिसी का बनता है उसके ड्यू डेट से पहले आपको पे करना चाहिए ताकि कवरेज उसका बना रहे। तो ये थी वो चार बातें जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आपको जब भी अपनी पॉलिसी का क्लेम लेना हो तो आपकी पॉलिसी का क्लेम आपको मिल जाए, वो रिजेक्ट ना हो। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको छुपानी नहीं है और क्लेम फाइलिंग जब आपको करनी है तो आपको ऑन टाइम क्लेम करना है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपने क्लेम करने से पहले जो डेट आपको दी गई है उस डेट तक, हर कंपनीज का क्लेम ड्यूरेशन अलग अलग होता है तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, वो आप चेक करिएगा उनका क्लेम जो टाइमिंग है वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। जो टाइमिंग प्रोवाइड कराया गया है उसी में आपको क्लेम फाइलिंग करनी है, उसमें लेट नहीं करना। अगर उस डेट से आप एक्सटेंड हो गए तो आपको क्लेम जो है वो नहीं मिल सकता है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मिलते हैं एक्साइटिंग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड शेयर।